Due to the rising pollution levels in Delhi, authorities are taking action to mitigate the worsening air quality by imposing a ban on heavy vehicles at the Ayanagar border. Harish Kolkati, the Assistant Commissioner of Police, announced the decision as part of a series of measures to curb pollution in the capital. The ban aims to reduce vehicular emissions, which are a major contributor to the city's air pollution. This move is expected to help ease the burden on Delhi's already deteriorating air quality, particularly during the high pollution months. एसीपी साहब आज यहाँ पर आए हैं, अगर तो देख रहे हैं काफी चेकिंग हो रहे हैं, कितने स्टाफ के साथ हैं बताएं। ये हमारी एक बॉर्डर टिकट है, ये रेगुलर बेसिस पे बॉर्डर को मैन करते हैं हम लोग। बॉर्डर से किसी प्रकार की कोई चीज स्मगल ना हो, कोई क्रिमिनल की एंट्री ना हो। इस टाइम ऑटो लिफ्टर्स वगैरह बर्गलर्स वगैरह की एंट्री वगैरह होती है, इस चीज़ को हम विशेष ध्यान रखते हैं। कुछ ट्रेंड्स हमारे पास हैं, कुछ व्हीकल्स की डिटेल्स हमारे पास होती है, जिन व्हीकलों पर हम विशेष निगरानी रखते हैं। ये एक परमानेंट पिकेट है और आज एक अचानक हमने एडिशनल फोर्स यहाँ पर बुला ली है ताकि इस पिकेट को और मजबूत किया जा सके और केवल हम व्हीकल आने वाले व्हीकलों की उस प्रकार से कि कोई क्राइम क्रिमिनल के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। एसीपी साहब, जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ा हुआ था, कल सरकार ने ग्रेप थ्री लगा दिया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? जो ये ग्रेप थ्री लगाया है, इसके बारे में जो भी सरकार की दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उसका जो भी हमारे तरफ दायित्व तो बनता है, दिल्ली पुलिस की दायित्व तो बनता है, हमारा जो दायित्व तो बनता है, तो उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी कोशिश हमारी रहेगी। क्योंकि नर्सरी से क्लास 5 तक जो है स्कूल बच्चे का बंद हो गया है और यहाँ पर डीजल गाड़ी और कंस्ट्रक्शन भी बंद हो गए।